तो विषय है स्वयं में स्वयं की खोज। तो आज का टॉपिक है ध्यान। ध्यान का अर्थ है अपने केंद्र की खोज, अपने ही भीतर उससे पा जाना जो है और सदा से है। राधा स्वामी जो ना तो कभी कम होता है ना ही ज़्यादा, ना पैदा होता है ना मरता है, कभी हमेशा बना रहता है ध्यान। तो अगर हम सोचें कि जब हम ही नहीं रहे तो हमारा ध्यान कहाँ रहा, ध्यान तब भी है, क्योंकि ध्यान तो हमारा हमारे पास रहता ही कहाँ है, वो तो हमसे बाहर भागा रहता है, सारी दुनिया में घूमता है, उसको शरीर की ज़रूरत नहीं है। और जिस केंद्र की ज़रूरत है मन, वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, तो देह के खत्म होने पर भी ध्यान बना रहता है, तभी प्रेत बाधा होती है, उसका भी तो ध्यान जाता है अपने घर परिवार रिश्तेदारों की तरफ। तो ध्यान हमारी देह का मोहताज नहीं है, ये न कभी घटता है न बढ़ता है, न पैदा होता है न मरता है, क्योंकि ये आत्मिक ऊर्जा की ऊष्मा है और जगत में चेतना अजर अमर अविनाशी है। गीता में सारी क्वालिटी बता दी गई है आत्मा की। तो ना तो कभी कम होता है ना ज्यादा, ना पैदा है होता है ना कभी मरता है। अपनी आत्मा से आपका परिचय और मिलान, जो एक मिलन होता है ना हमारा हमारी आत्मा से, इसके लिए संसार में बहुत से तरीके और साधन ध्यान के उपलब्ध हैं, पर अक्सर ये ध्यान की विधियां आप पर काम नहीं कर पाती और आप स्वयं यानी स्वमय होने से वंचित रह जाते हैं, तो स्वयं से कभी परिचित भी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि आपकी शुरुआत ही गलत हो रही होती है ध्यान की, इसलिए कभी भी अपने भीतर नहीं जा पाते। दरअसल जो सबसे ज़रूरी था वही आपसे छूट जाता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके भीतर वो कौन है जो ध्यान में लीन होना चाहता है, वो कौन है जो आपको अपने भीतर उतरने के लिए प्रेरित करता है या प्रेरित कर रहा है कि अपने आप को जानो। जब तक आप अपने आप को ही नहीं जान पाएंगे, तब तक आप अपने भीतर अपने ध्यान को कैसे खोज पाएंगे? तो पहले तो अपने आप को जानना ज़रूरी है, और यही वो गलती है जो गलत शुरुआत करते हैं हम, कि अपने आप को जाना नहीं और ध्यान को भीतर धक्का मारने में लग गए, जो कभी कामयाब नहीं होते। आज का विषय है स्वयं को जानने का तरीका। पहले स्वयं को तो जाने कि कैसे हम जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ। स्वयं को जानने का अर्थ क्या है?
अपने अर्थों में तो सभी जानते हैं कि वो कौन है, सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ। किसी से भी पूछ लो, बता देगा मैं कौन हूँ। पूछिए भाई साहब कौन है, मैं ये हूँ, वो हूँ, वो हूँ, तो क्या बोलेगा? अपना नाम, माता पिता का नाम, जाति, धर्म, कुल, गोत्र, अपना पता या फिर अपना कारोबार, ये अपना परिचय देगा, मैं ये हूँ। बस इतना ही परिचय आप किसी को दे सकते हैं। पर क्या आप वही हैं जो आप बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वो हैं ही नहीं जो आप खुद को बता रहे हैं। यह तो आपकी सांसारिक छवि ही है, सांसारिक छवि है जो बता दिया, ये मेरा नाम है, बाप का नाम ये है, ये कुल है, ये गोत्र है, ये धर्म है, ये कारोबार है, ये सब आपकी सांसारिक छवि है जो आप बता रहे हैं। जो कि दूसरों द्वारा आपको बताया गया परिचय है कि ये तुम्हारा नाम है, किसी दूसरे ने बताया, ये तुम्हारे पिताजी का नाम है, ये माताजी का नाम है, ये भी किसी और ने बताया मुझे, ये तुम्हारी जाति है, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा गोत्र है, ये सब दूसरों का दिया हुआ परिचय है। तो दूसरों द्वारा आपको दिया गया परिचय है, ये वास्तव में भीतर से आप कौन हैं यह तो आपको पता ही नहीं। यही तो जीव का अज्ञान है कि जानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। स्वयं को जान और समझकर स्वीकार कर लेना ही ज्ञान है। खुद को जानकर समझकर स्वीकार कर लेना, हाँ ये हूँ मैं, यही ज्ञान है। तो जब आप स्वयं से परिचित हो जाते हैं, स्वमय अवस्था में स्थिर हो जाते हैं, फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। स्वयं को जानने का अर्थ है कि जो सामर्थ कुल मालिक की है वही अब आपकी सामर्थ है। ये है खुद को जानना कि जो कुल मालिक की सामर्थ है वही अब मेरी सामर्थ है, तभी कह सकते हैं कि आप खुद को जान गए। फिर कुल मालिक की सामर्थ का अर्थ है आकर्षण शक्ति और खिंचाव। सो कोई भी जीव अपने मन की ताकत से सूरत को ऊंचे मंडलों में नहीं चढ़ा सकता। जब सदगुरु वक्त की मेहर से सूरत अंग बरामद होता है, तब वह स्वतः ही कुल मालिक की दिशा में प्रेमवश खिंचता चला जाता है। इसे ही सूरत का खिंचाव या खिंचना कहा गया। तो स्वयं को जान लेना ही व्याप्तता है, एक अंतरी अनुभव है, और यह जान लेना है कि सारी विशालता, सारी विराटता, संपूर्ण ब्रह्मांड, सृष्टि और रचना, इससे आप अलग नहीं हैं। ये है खुद को जान लेना कि इससे आप अलग नहीं हैं, बल्कि जो है वो आप ही हैं। इस तरह आप कुल मालिक
राधा स्वामी दयाल से अलग नहीं है, वो अंशी है और आप अंश हैं। आप आत्मा भी नहीं हैं। आत्मा का वह खोल तो कब का पीछे छूट गया, जब स्वतन बरामद हो गया तो आत्मा का खोल उतर के और पीछे ब्रह्म और ब्रह्मांड में छूट गया। दसवां द्वार पार करके जब ब्रह्मांड से ऊपर उठती है चेत, तब वह सुरत कहलाती है। सो आप शुभ में रत सुरत हैं, शब्द में लीन धुन है। यही राधा स्वामी नाम का भाव है। सो संसार में असंख्य लोग अज्ञान में पैदा होते हैं, असंख्य लोग अज्ञान में पैदा होते हैं और अज्ञान में ही मर जाते हैं, जो नहीं जानते कि वो कौन है। जीवन समाप्त हो जाता है और अज्ञानवश व्यर्थ ही चला जाता है। सो वह कौन है जो कुल मालिक का स्वरूप, कुल का कर्ता है? इस बात का तो कभी जीव को ख्याल भी नहीं आता कि कौन है कुल का कर्ता। इधर कभी ध्यान नहीं जाता। सो उसको जानने, कुल के कर्ता को समझने या पाने की तो प्यास ही नहीं जाग पाती और जून पर जून भटकती चली जाती है। उसे जानने की तो प्यास ही नहीं जगती कि कुल का कर्ता कौन है, और ना जागने की वजह से जून पर जून, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी जूने भटकता ही रहती है चेतना, जान नहीं पाती खुद को। यही विषय है स्वयं का, स्वयं से परिचय। चाहे कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए, जब भी यह प्यास जागती है सो जब तक स्वयं का स्वयं से परिचय ना हो जाए, तब तक ये प्यास शांत नहीं हो पाती, जब भी जाग जाए। तो जब तक स्वयं में स्वयं से परिचित नहीं हो पाती ये प्यास स्वयं को जानने की, शांत नहीं हो पाती और ना ही हो सकती है अगर एक बार भी जग गई। तो कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो जिस दिन ये ख्याल अंतर में जाग गया उसी दिन सुबह की शुरुआत हो गई और अज्ञान का अंधेरा धीरे धीरे छटने लगता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं स्वयं में रहकर स्वयं को कैसे जान सकता हूँ। बड़ा पहेली है कि जीव स्वयं में रहकर स्वयं को कैसे जान सकता है। तो मैं कहता हूँ कि पहले खोजना सीखो तभी तो जानोगे। पहले खोजना सीखो कि मैंने खुद को कहाँ खोया था, तभी तो खोजोगे।
पहले ये खोजना सीखो कि मैंने खुद को कहाँ पर खोया था, तभी आपको पता लगने शुरू हो जाएगा कि स्वयं को खोज लेना कठिन नहीं पर बहुत सहज और आसान है। पर पहले ये खोजो कि तुम खोए कहाँ थे। खोजने तो निकल पड़े स्वयं को, पर खोए कहाँ थे, कब खोए थे, पहले ये तो ढूंढो। तो अपने आप को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। बस एक छोटे से विचार को पकड़कर अपने भीतर चलना होता है कि मुझे खुद को पाना है। बस इतना सा विचार पकड़ के अंदर चलना होता है कि मुझे खुद को पाना है। आप में हिम्मत आ जाएगी अंतर में बढ़ने की। अगर ये विचार पकड़ लिया कि मुझे खुद को पाना है, और जैसे जैसे आप अपने भीतर बढ़ते जाएंगे आपका साहस भी बढ़ता चला जाएगा। बस एक बार अपने भीतर का रास्ता दिख जाए फिर आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं रह जाएगा। बस भीतर जाने का रास्ता मिल जाए तो अपने ही भीतर जाने का वो कौन सा रास्ता है और कैसे इस रास्ते पर चलना है, इसी विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। पर ध्यान रहे, मैं केवल रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तो आपको स्वयं ही इस रास्ते पर पड़ेगा। शुरुआत चाहे कितनी ही कठिन लगे, पर जो एक बार इस रास्ते पर आ गया और चलना शुरू कर दिया तो मंजिल का मिलना निश्चित है। यही इस रास्ते की खासियत है। जो चल पड़ा सो एक दिन मंजिल निश्चित मिलेगी, क्योंकि ये रास्ता मंजिल से पहले पूरा नहीं होता, मंजिल पर पहुंचकर ही पूरा होता है। तो स्वयं को जानने के लिए आपको देखना होगा कि आपके पास अपना क्या है। अपने को जानने के लिए ये देखना होगा कि आपके पास अपना क्या है। क्या जिन आँखों से आप देख रहे हैं वो आपकी अपनी ही आँखें हैं? यही खोज है। जिन आँखों से मैं दुनिया देख रहा हूँ क्या वो मेरी अपनी आँखें हैं? जिन कानों से आप सुन रहे हैं वो आपके अपने ही कान हैं? जिस बुद्धि से आप विचार कर रहे हैं तो क्या ये आपकी अपनी ही बुद्धि है? या जो कुछ भी आप अपना समझ रहे हैं क्या वो सच में आपका ही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी भारी भ्रम का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? थोड़ा गहराई में उतरकर देखना शुरू करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हाँ, हैरान हो जाएंगे यह जानकर कि कुछ भी जो है वो आपका नहीं है। इसके लिए थोड़ा गहराई में उतरना पड़ेगा। और आप हैरान हो जाएंगे कि जो कुछ भी है वो आपका नहीं। आप वही देख पाते हैं जो आपको दिखाया जाता है। आप वही सुनते हैं जो आपको सुनाया जाता है।
तो मैं आपसे निश्चित रूप से कहता हूँ कि आपने अपनी आँखों से आज तक कुछ भी नहीं देखा, ना ही सुना, कुछ भी। आपने अपनी बुद्धि से समझकर आज तक कोई विचार नहीं किया। जिन भी विचारों को आप अपना समझ रहे हैं, वह भी वास्तव में आपके अपने विचार नहीं हैं, वो भी दूसरों द्वारा प्रदान किए गए बुद्धि और विचार हैं। तो फिर आपका अपना क्या है? जैसा हमें समझाया गया हमने समझ लिया, जैसा हमें दिखाया गया हमने देख लिया। एक बड़ा सा जानवर सामने दिखा के बोला ये हाथी है, हमने कह दिया ये हाथी है। तो ना हमारे विचार हैं, जो हम सुनते हैं वो हमें सुनाया जाता है, जो हम देखते हैं हमें दिखाया जाता है, जो हम सोचते हैं, जो हमारे विचार हैं, वो भी हमारे अपने नहीं हैं, क्योंकि हमको बुद्धि देने वाला कोई और है। हमारा अपना क्या है? तो हमारा अपना क्या है? जब हम जन्म लेते हैं, तब पूरी तरह से एक कोरे कागज की तरह होते हैं। न बुद्धि होती है, न विचार होते हैं, न हाथी का पता, न घोड़े का। बिल्कुल कोरे कागज की तरह होते हैं आप, पूरी तरह से निज हो। फिर धीरे धीरे समाज की प्रक्रिया आपके जीवन के कोरे कागज पर अपनी इबारत लिखने लगती है। संस्कार करके किसी को हिंदू बना दिया जाता है, किसी को संस्कार करके मुसलमान बना देते हैं, किसी को संस्कार करके ईसाई बना देते हैं। उसे कुछ नहीं पता, अबोध। तो ये धीरे धीरे समाज की प्रक्रिया आपके जीवन के कोरे कागज पर अपनी इबारत लिखने लगती है। सबसे पहले आपके जन्मदाता, जो बताते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति और धर्म दृढ़ कर दिया जाता है, ठप्पा लगा दिया जाता है, ये हिंदू है, ये मुसलमान। आपको बताया जाता है कि आपकी जाति और धर्म संसार का महानतम और श्रेष्ठ जाति या धर्म है। ठीक से देखा जाए तो आपको आपके स्वयं के विषय में कोई निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहने दिया ही नहीं जाता कि आप निर्णय ले सकें कि मैं संसार में आया हूँ, मैं हिंदू धर्म अपनाऊँगा, मुसलमान बनूँगा। कोई अधिकार नहीं दिया जाता। इस तरह नाम, जाति और धर्म से सजा कर आपको स्कूल भेज दिया जाता, शिक्षा ले, जहां पर शिक्षा के नाम पर आपके दिमाग में ना जाने क्या क्या भर दिया जाता है।
ना जाने क्या क्या भर दिया जाए। साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, जियोलॉजी पढ़ो, बॉटनी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, हिंदी पढ़ो, दिमाग में खिचड़ी पका दी जाती है, न जाने क्या क्या भर दिया जाता है, उपयोगी अनुपयोगी सब कुछ। संस्कृत नहीं आती, फेल हो गए तो मैं आगे नहीं पढ़ सकता, अब मैं जीवन में संस्कृत का क्या चार डालूं, किस काम की संस्कृत है। केमिस्ट्री में फेल हो गए तो आगे नहीं बढ़ने पाओगे, अरे भाई केमिस्ट्री का क्या चार डालो। तो उपयोगी अनुपयोगी भर दिया जाता है, पहले ऐसा नहीं था। बचपन से ही दिशा छांट दी जाती थी बच्चों को, गुरु जैसे होता है ना वो एडमिशन टेस्ट, वहीं से दिशा निर्धारित कर देते थे कि इसे विज्ञान के क्षेत्र में जाना है या कला के क्षेत्र में जाना है या इसको धनुर्विद्या ही बोलते थे उसको, शस्त्रों की दिशा में जाना है या इसे योग की दिशा में जाना है, और वैसी ही दिशा में उसकी शिक्षा शुरू हो जाती बचपन से। अब ऐसा नहीं, शिक्षा की दिशा का तो नहीं पता, डिग्री जरूर चाहिए कि भैया एमबीए करना है, भैया हमको ग्रेजुएशन करना है, चाहे जैसे खत्म, सब उपयोगी अनुपयोगी सब भर दिया जाता है दिमाग में। फिर कुछ पढ़ लिख कर ऐसे ऐसे महागुरु आपको घेरने लगते हैं, जो वो सब कुछ आपको समझाने में लग जाते हैं जो आपको कभी समझ में ही नहीं आता। इतनी एडवाइस मिलती है अगर आप थोड़ा पढ़ लिख गए, सारा संसार और ऐसे ऐसे ब्रिलियंट आपको मिलेंगे राय देने के लिए, जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया लेकिन आपको सारी राय देंगे। ऐसे ऐसे महागुरु मिल जाते हैं, तो ऐसी बातें समझाते हैं जो आपकी समझ में कभी आती ही नहीं, लेकिन आपको मानसिक रूप से इतना मूड जड़ बेवकूफ कर दिया जाता है कि आप आंख बंद करके सब की बातों को मानने लग जाते हैं। क्या था? आपके दिमाग को इतना बंद कर दिया जाता है कि आप मजबूर होके संसार की बातें मानने लग जाते हैं। एक बच्चे को उसके दिमाग में फिट नहीं हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं करनी शादी, लेकिन करनी पड़े, करनी पड़े। इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, माँ बाप कह रहे डॉक्टर बन, छोड़ा ही नहीं जाता कभी स्वतंत्र आपको। सो मजबूर होकर सब की बातें मानने लग जाते हैं। जब आपसे कहा जाता है कि आप एक आत्मा हैं, तब भी आपके मन में कभी यह ख्याल भी नहीं आता कि आप अपनी आत्मा के दर्शन ही कर लो, कभी विचार होता? ये तो बहुत बार सुना कि तुम एक आत्मा हो, ओके मान लिया ना, आंख बंद करके मान लिया ना कि मैं एक आत्मा हूं, कभी ये विचार उठा कि अगर मैं आत्मा हूं तो एक बार अपनी आत्मा के दर्शन तो कर लूं? कभी नहीं उठा, मान लिया दर्शन करने तो कोई मान लिया कि मैं एक आत्मा, कभी देखा नहीं। इतना हमारे दिमागों को बंद कर दिया जाता है पैदा होते ही, तो निज कहाँ, मैं कहाँ रहा,
कम से कम अपनी आँखों से देखकर जाने तो कि कौन है और कहाँ है हमारी आत्मा। पर आपके सभी प्रश्न आपके भीतर ही दब कर रह जाते हैं या फिर दबा लिए जाते हैं। बचपन से आपको कुछ जानना तो कभी सिखाया ही नहीं जाता, कुछ जानना कभी नहीं सिखाया जाता, बस मानना ही सिखाया जाता। मान लो, मान लो डार्विन की ये थ्योरी है, रिसर्च करने नहीं दिया जाती कि हम डार्विन की थ्योरी को फेल कर दें, नहीं, मान लो, तो जानना तो कभी सिखाया ही नहीं जाता, बस मानना ही सिखाया जाता। अगर कभी कोई प्रश्न उठा भी दिया तो जैसे अनर्थ हो जाता है, आपको बताया और सिखाया जाता है कि परमात्मा को मानो, पर कोई नहीं कहता कि परमात्मा को जानो, ये कोई नहीं कहता, मानो। मैं परमात्मा की तरफ इसलिए आ गया क्योंकि मेरा विषय ध्यान और स्वयं में स्वयं की खोज है, ना कि स्कूल कॉलेज और डॉक्टर और समाज, इसे मैं परमात्मा पर। तो अगर कोई प्रश्न उठा भी दिया तो जैसे अनर्थ हो जाता है, आपको बताया और सिखाया जाता है कि परमात्मा को मानो, पर कोई नहीं कहता कि परमात्मा को जानो, कोई नहीं कहता कि उसकी खोज करो, क्योंकि वह तो कहाँ कहाँ नहीं बसा, मान लो खोजने की कोई जरूरत नहीं, वो तो कण-कण में बसा है, बता दिया दूसरे ने और मान लो बात दूसरे की, न खोजो न जानो, मान लो कण-कण में बसा है, कहाँ खोजो, वही है। सो पर ये कोई नहीं बताता कि फिर आत्मा ने शरीर क्यों और कैसे धारण कर लिया। अगर आत्मा परमात्मा का कण कण में बसा है तो फिर ये शरीर धारण करने की क्या जरूरत थी, क्यों ये जीता है क्यों ये मरता है, ये कोई नहीं बताता, मान लो। तो जो आत्मा कर सकती है वो काम परमात्मा क्यों नहीं कर सकता, उठा दिया ना प्रश्न। अगर एक आत्मा शरीर धारण कर सकती है, जिंदा हो सकती है, जन्म ले सकती है, मर सकती है, तो परमात्मा क्यों नहीं पैदा हो सकता, जिंदा हो सकता और मर सकता। आत्मा जो काम कर सकती है वो परमात्मा क्यों नहीं कर सकता, आपका ये प्रश्न आपको नास्तिक और पापी बना देता है, सावधान रहिएगा। अगर ये प्रश्न उठा दिया तो समाज आपको नास्तिक बोलेगा और पापी बना देगा। आपसे कहा गया है परमात्मा है और उसे मानो, तो बस मानो, प्रश्न ना करो और बुद्धि को बंद कर दो। हमारी बुद्धि है समाज हमसे बंद करवा देता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि वे खुद भी नहीं जानते कि जगत में परमात्मा है भी या नहीं, वो खुद भी नहीं जानते कि जगत में परमात्मा है या नहीं। उनका उसके जो समझाते हैं ना हमें कि परमात्मा है उसे मानो, वो भी नहीं जानते कि जगत में परमात्मा कहाँ है। मैं कहाँ हूँ मालूम है,
ये आत्मा कहाँ है मालूम है, परमात्मा कहाँ है नहीं मालूम। उनसे भी यही कहा गया है और वे भी मान और मनवा रहे हैं। जो हमको समझा रहे हैं वो है उसे मानो, तो उनसे भी यही समझाया और बताया गया था और वही हमसे मनवा रहे हैं और खुद भी मान रहे हैं, हमसे भी कह रहे हैं मानो। लगता है कि जैसे ये अंधों की दुनिया है और अंधेरी दुनिया में कौन आपको आँखों वाला देखना चाहेगा, कोई चाहेगा कि आपकी आँखें अंधों की दुनिया, सब एक जैसे कौन बताएगा। कोई नहीं चाहता कि आपकी आँखें खुलें और आप देखें और उनसे आगे बढ़ जाएं, इसलिए आपकी भी आँखें जन्म लेते ही बंद कर दी जाती। आपकी आँखें तो जन्म से ही नाम जाति धर्म कर्म के पर्दों से ढाप दी जाती है आँखों, आपका नाम जाति धर्म कर्म के पर्दे डाल दिए जाते हैं, ढक दी जाती हैं आपकी आँखें, और इन पर्दों को हटाकर झांकना भर ही पाप बन जाता है। अपने धर्म कर्म जाति और नाम से अलग हट के अगर कुछ करो तो पाप बन जाता है। इस तरह आपको अंधा बना दिया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि पहले आपको यह देखना होगा कि आप खोए कहां पर थे। आप खोए कहां पर थे, किस मौके पे आप खो गए और आपके ढाप क्या से क्या बना दिया, कब आपकी आंखों पे पर्दे पड़े और कब आपकी आंखें खुली थी, ये ढूंढना पड़ेगा। सो इसके लिए बहुत साहस की जरूरत है, ये धर्म जाति समाज से लड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जो दूसरों ने आपको दिया है, जो दूसरों ने हमें दिया है वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपको दूसरों की आंखों से देखना बंद करना पड़ेगा, दूसरों की बुद्धि से सोचना बंद करना पड़ेगा। जिस दिन आप बाहर के विचारों को छोड़ देंगे उसी दिन से आपके अपने विचार पैदा होने लगेंगे। जिस दिन आप दुनिया के विचारों को छोड़ देंगे उस दिन से आपके अपने विचार पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो जीवन क्या है, कभी देखने की कोशिश करिए। जीवन केवल एक विचार, विचार से ही आप अच्छे हैं, विचार से ही आप बुरे हैं, विचार से ही जीवित हैं और विचार ही आपकी मृत्यु है। विचार ही सुख है, विचार से ही दुखी हैं आप। संसार में आपके लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपके विचार से ही हो रहा है, लेकिन आपके पास जो विचार है वो दूसरों का दिया हुआ है। इसीलिए ये सारा संसार दुखमय दिखाई देता, क्योंकि इसमें कहीं कोई आपका अपना विचार है ही नहीं, इसलिए सारा संसार दुखमय दिखाई देता है, क्योंकि इसमें आपका अपना कोई विचार है ही नहीं, सब दूसरों का दिया हुआ है। गुरु नानक भी कहते हैं
नानक दुखिया सब संसार। क्यों? केवल इसलिए कि नश्वर जगत का जो विचार है तो जगत के हर जीव को दुख में खींच लिए जा रहा है। नश्वरता का विचार, ये नश्वर है, ये अमर है, ये भी विचार। तो जो नश्वरता का विचार है ये आपको दुखों में खींच लिए जा रहा है। संसार दुख नहीं है, पर आपका विचार ही दुख है। आपके विचार से ही आप दुखी हैं। मत होइए दुखी, कैसे ना हो दुखी, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपके विचार मत करो, ये हो गया, निर्लिप्त हो जा, हो गया सो हो गया, आप उसे बदल नहीं सकते, स्वीकार कर लो, दुख खत्म। लेकिन आप दुखी हैं क्योंकि आपके विचार आपको, जो दूसरों ने आप पे थोप दिए हैं कि ये बड़ा कीमती था और अब नहीं रहा, ये विचार आपको दुख दे रहा। किसने कह दिया बड़ा कीमती, किसने कह दिया इसके बिना तुम जी नहीं सकते, दूसरों, और आपने मान लिया और आप दुखी। आपका विचार ही दुख है। इस पर दृष्टिकोण प्रधान, संसार को आप जिस दृष्टि से देखोगे संसार वैसा ही बन जाएगा। आप जिस दृष्टिकोण से संसार को देखोगे संसार वैसा ही बन जाएगा। बात वही है कि आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा है। आधा गिलास भरा है ये सुख है, आधा गिलास खाली है ये दुख है। तो सुख और दुख आपके विचार हैं। संसार दुख नहीं, ये संसार एक माया जाल है। यदि आप चाहते हो कि आपके चारों तरफ हरियाली हो तो आपको रेगिस्तान में भी कोई हरा पौधा मिल जाए, घास में तिनका मिल जाए अगर आप चाहो, पर आप देखना ही ना चाहो, कांटे ही देखना चाहो तो चारों तरफ रेत ही रेत मिलेगी और कुछ नहीं। आपकी नज़र उस हरियाली को ढूंढ ही नहीं पाएगी। बस इतनी सी बात है कि एक बार आपको अपनी दृष्टि मिल जाए, आपको देखने की समझ और कला आ जाए तो आप सब देख और समझ सकते। हमें बता दिया गया रेगिस्तान में घास भी नहीं उगती, हमें घास भी नहीं दिखेगी, और हम हरियाली देखने जाएंगे तो बबूल की झाड़ी झाड़ दिखेगी, पर हम उस हरियाली को स्वीकार नहीं कर रहे क्योंकि वो बबूल है, कांटे हैं, वो नहीं अच्छी वाली हरियाली। ये दृष्टिकोण, जैसा देखना चाहेंगे वैसा दिखेगा, संसार ऐसा ही है। जैसे प्रकाश की किरणें किसी चीज पे पड़ती हैं और वो उस चीज पे पड़ के जो हमारी आंखों में आती हैं तो हमें वो चीज दे। नीला चश्मा लगाते हैं तो नीला दिखता है, पीला लगाते हैं तो पीला दिखता है। ऐसा ही संसार, जिस दृष्टि से देखेंगे वैसा ही दिखेगा। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आपको आपकी अपनी दृष्टि मिल जाए, दूसरों की छोड़
आपको देखने की समझ और कला आ जाए। तो हम न मरे, मरे संसार, हमको मिला जिलावन हार। तो स्वयं को जान लेने का अर्थ है स्वयं पर अधिकार हो जाना। स्वयं को जान लेने का अर्थ है स्वयं पर अधिकार हो जाना, स्वयं ही स्वयं का मालिक हो जाता, हम ही हमारे मालिक। क्या आपको लगता है कि आप अपने मालिक हैं? ध्यान से चारों तरफ देखो, यहाँ सब आपके मालिक हैं, आप अपने मालिक नहीं। यहाँ सब आपके मालिक हैं, बस एक आप अपने मालिक नहीं हैं। आप गुलाम हैं। आप कुछ भी करते हैं तो सबसे पहला ख्याल, सबसे पहला रोग यही कि लोग क्या कहें, लोग क्या कहें। तो आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं, आप गुलाम लोगों के, लोगों के गुलाम। पहला ख्याल आता है लोग क्या कहें। कहाँ है आपकी मालकियत? पूरा जीवन ही दूसरे ही आपको चला रहे हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। कभी ख्याल करें कि आपके पास कोई भी ना हो, आप बिल्कुल अकेले हो, तो क्या आप वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा दूसरों के सामने करते? कोई नहीं, आप बिल्कुल अकेले हैं, अपने कमरे में सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, कोई बाहर से भी देखने वाला नहीं है, सिर्फ एक शीशा है, आप ही आपको देख रहे हैं। तो क्या आपका व्यवहार वैसा ही होगा जैसा समाज में सबके बीच में होता है? कभी नहीं। क्या वैसे ही आप चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे या बोलेंगे? नहीं। आप पाएंगे कि आपका व्यवहार बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि दूसरों के सामने होता है, बिल्कुल वैसा नहीं। अकेले जंगल में तंबू लगा के रहिए, आप जंगली बन जाएंगे, जैसा वातावरण उसमें ढल जाए, आपका व्यवहार बिल्कुल बदल जाएगा। अकेला अकेला जंगली के चारों के साथ ही रहता है, खुली हवा के साथ। इससे स्पष्ट है कि समाज में आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो मात्र दूसरों को दिखाने के लिए ही है, आप नहीं है वैसे। जब आप दान भी करते हैं तो रसीद बनवाते हैं, अपने नाम के पत्थर मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में लगवाते हैं ताकि लोगों को पता तो चले कि इस किसने यह काम करवाया है। आप तो चले गए, पत्थर लगाए मेरे नाम, मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद कर रहे हैं कि आपने मंदिर बनवाया था, पत्थर लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए, अपने लिए क्या? हो जाता है नाम दिखा दिया, अपने लिए क्या व्यवहार किया दूसरों के, गुलाम बने बैठे हैं कि लोग क्या कहें। तो शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी जहां से आप खो गए थे। वैसे ही कोरा कागज बनना तभी आप खुद को जान पाएंगे और खुद पर ध्यान दे पाएंगे। तो आज इतना,
इसका अगला चर्चा जस्ट का आधार।